राज भाई, शान भाई और आसिफ भाई तीनों ने 6-8 दिन पहले फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आम्रपाली वापस बन रही है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि वो म्यूज़िक आज भी कान में गूंजता है। और दत्त साहब और वैजयंती महाराज जी को तो भूल ही नहीं सकते हम लोग। और मैं बलदेव जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म वापस बनाने का ये जो बीड़ा उठाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया फिल्म बनेगी। आज का जो गाना है वो तो बुद्ध जी के जीवनी के ऊपर लिखा हुआ है और बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और आज के म्यूजिक को ध्यान में रखते हुए, आज की लोगों की पसंद ध्यान रखते हुए फ्यूजन टाइप का ये गाना आज का बना हुआ है और इतना अच्छा साउंड कर रहा है ऑलरेडी, तो जाहिर है लोग बहुत पसंद करेंगे। स्पेशली आज की जो जनरेशन है वो ज़रूर पसंद करेगी इस गाने को। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इस फिल्म में गा रहा हूँ। वैसे बहुत दिनों के बाद हिंदी फिल्म में गा रहा हूँ, ये तो बड़ी मेहरबानी है बेदी साहब की और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सर गर्ग साहब की जो डायरेक्शन इसका कर रहे हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि इतना खूबसूरत गाना मुझे मिला और उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से फिल्म रिलीज़ हो जाए, जल्दी जल्दी बने, बहुत खूबसूरत बने और हमारे दर्शक इसको सिर पे लेके नाचे, यही प्रार्थना करूँगा। थैंक यू सर। आने वाले दिनों में आपकी कोई और हिंदी फिल्म में आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है? आती रहती है और पहले की कंपैरिजन में थोड़ा कम आते हैं, मगर गाता रहता हूँ। ये तो लास्ट फिल्म मेरी हैदर थी जिसमें मेरा गाना था और अब मेरी ये आम्रपाली आएगी। सर, आज किशोर साहब का 86 बर्थ एनिवर्सरी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उनको आप कैसे याद करेंगे? किशोर दा तो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, उनको याद नहीं किया जाता है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। और हमारा इतना अच्छा साथ रहा है, किशोर दा का बहुत प्यार मिला है। आज उनका जन्मदिवस है, उसके ऊपर मैं अमित को, सुमित को और लीना भाभी को बहुत बहुत आज उनके जन्मदिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वैसे इस गाने के बाद मैं उनके प्रोग्राम पे जाने वाला हूं, हरे राम हरे कृष्णा में उनकी जो पोती है उसका गाया हुआ एल्बम रिलीज़ हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि उनकी अगली जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन भी गाने लग गई है। हालांकि मेरी शिष्या ही है उनकी पोती जो है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जाएंगे किशोरदा को वहाँ पर श्रद्धांजलि और नतमस्तक होंगे उनके सामने।